ऐसा है कि इसको ऐसी तरह कुर्सी में ऐसे पैर पे पैर रख करके और आराम से बैठ के देखा जाए कि ये मैच कैसा खेला जाएगा। हाथ में एक पॉपकॉर्न हो और साथ में आपकी फेवरेट चॉइस की ड्रिंक और बस बैठ कर देखें। अब वो नींबू पानी भी हो सकता है, गरम गरम चाय भी हो सकती है या कुछ और, लेकिन देखिए दोस्तों ये मैच जो है बीच के पड़ाव में विश्व कप में दो टीमें जो अब तक नाबाद हैं, जिनको अब तक किसी ने नहीं हराया, वो टीमें अब आमने सामने भिड़ने वाली हैं। और मेरे साथ यहाँ पर जीतेगा भाई जीतेगा में दो ऐसे दिग्गज बैठे हैं जिनकी निगाहें भी इसी मैच पर हैं। एक की तो लॉयल्टी कहीं नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कल दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हुआ है उसके बाद कहीं मॉन्टी पानेसर अपने विचार तो नहीं बदल रहे हैं, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड का रुख तो नहीं कर रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले संदीप पाटिल जी बताइए, इस मैच को देखने का अलग मजा होगा और वो भी धर्मशाला, परहैप्स भारत में सबसे खूबसूरत ग्राउंड में ये हो रहा है ये मैच। जी बिल्कुल, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों टीमें टॉप पे हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुँची हैं और देखना होगा किसकी आज कौन सी टीम बाजी मारता है। मुझे लगता है कि जो अनुभव है वो थोड़ा काम में लाना पड़ेगा। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि क्रिकेट का खेल है जो हर मैच की शुरुआत नई शुरुआत करनी होती है। आपने 100 बनाए, विराट कोहली ने पिछले मैच में 100 बनाए, लेकिन इस मैच में उसे भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। चाहे हमारे गेंदबाज हो, चाहे हमारे सारे इतर बल्लेबाज हो, सबको शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ना सिर्फ भारतीय टीम को, न्यूजीलैंड टीम को भी। इसलिए जैसे कि आनंद ने अभी बताया कि सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या होने वाला है, टॉस के बाद टीम क्या होने वाली है और कैसा मैच रहने वाला है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड का इतना सुंदर स्टूडियो है, यहाँ तो बड़े बड़े मॉनिटर्स भी हमारे सामने लगे हैं दोस्तों, ऐसा लगता है यहीं बैठा जाए और मैच का मजा लिया जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड तो मॉन्टी आप ऐसे नहीं देखना चाहते होंगे। और फिर इंग्लैंड की जो दशा हुई है उसके बाद समवेयर आर यू थिंकिंग कि यार मैं इंडिया चुनूं या न्यूजीलैंड? आज तो मैं न्यूजीलैंड थोड़ा सा फेवर कर रहा हूं, बिकॉज न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा है। यू नो आई थिंक 9 गेम्स जो वर्ल्ड कप में खेले हैं, एक बार आई थिंक भारत जीते हैं। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन मिलेगा भारत को। एंड जो भारत के फैंस हैं, अब जो हम सब क्रिकेट के शौकीन हैं, हमको मालूम होगा भारत कितने अभी आगे आए हैं, वो कितने आगे जाना है। न्यूजीलैंड का ऐसे एग्जामिनेशन है, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम वो ऐसी टीम है ना, टीम टुगेदर भी खेलती है, बाहर की जो आवाज़ें होती हैं वो भी बंद करते, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं अंदर से लेके आती। वो ये सोचती है ये समय में अच्छी तरह से गेंदबाजी करनी कैसे करनी चाहिए, बैटिंग कैसे करनी चाहिए। एंड ये वो टीम है, बाहर की जो शोर बजती है, जो मीडिया टेंशन मिलती है, जो इतनी तालियां सीटियां जो फैंस करते हैं ना, वो चीज़ के पास ये हिलते नहीं है ये टीम। ये टीम फोकस है गेम के ऊपर, गेम को कैसे खेलना, कैसे ये करना। एंड हमको भी मालूम है विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर है, उसी वजह से मनिंदर सिंह धोनी ने उसको इतना बड़ा प्लेयर बनाया। एंड इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है विराट कोहली कौन है। डोनाल्ड ट्रंप को जा पता हो विराट कोहली कौन है ना कौन हो, लेकिन मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट को जरूर पता है कि विराट कोहली कौन है। लेकिन यहाँ एक बात बताइए, जॉस बटलर को क्या तकलीफ है मॉन्टी पानेसर? वो टॉस जीत के बल्लेबाजी करने से क्यों कतराते? मुझको तो ये नहीं समझ आती है। जी मेरी ओन दादी माँ भी थी ना, वो भी कह रही थी टॉस जीत के बैटिंग करो पहले। इतनी सिंपल बात है, मुझको ये समझ नहीं आती है। अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीता, बैटिंग नहीं की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस भी जीते, बैटिंग की। मुझको समझ आ नहीं है इंग्लैंड का क्या सोच है। इतना अच्छा भी मौका मिला है इंग्लैंड को इंडिया में आना, सब दुनिया को दिखाना हम वर्ल्ड चैंपियन से T20 के ओ 50 ओवर के लिए, पर अभी वर्ल्ड चैंपियन जैसे अभी नहीं खेल रहे हैं। एंड सेल्फ डाउट की बात है, एक कोई सोच की कोई कंफ्यूजन है, जैसे वो क्लैरिटी नहीं है सोच की। जी तो इसलिए कहा जाता है, हिंदी में कहावत है मोंटी भाई कि जो बीत गई सो बात गई। तो आप चैंपियन थे 4 साल पहले थे, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो आपने गिनाया ना कि 1 in 9 वर्ल्ड कप्स में नहीं है, 1 in 9 ICC टूर्नामेंट्स है इंक्लूडिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, कि भारत 1992 के बाद एक ही बार न्यूजीलैंड को पछाड़ पाया ICC फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स में। लेकिन हम खेल कहाँ रहे हैं? हम खेल भारत में रहे हैं दोस्तों, भारत में बनाम न्यूजीलैंड ODIs में इंडिया का विन परसेंटेज 76% है। तो अब कौन सा आंकड़ा आप देखेंगे? अमृत आनंद को भी पूछते हैं, इससे पहले कि संदीप जी से पूछें, अमृत आनंद
वाह, धर्मशाला में मैच हुआ, खूबसूरत जगह मैच पहुंच गई ना, तो आप भी पहुंच गए, ये बढ़िया बात है जी। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, बहुत खूबसूरत स्टेडियम और लोग यहाँ तैयार हैं मैच देखने के लिए, फैंस इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, 20 साल से हम न्यूजीलैंड से जीते नहीं है, इस बार क्या होगा? फैंस के लिए स्टार्ट्स मैटर नहीं करता है कि 20 साल से आप खेले हो नहीं जीते हो, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, स्टार्ट्स क्या कह रहे हैं ओडीआई में, बस उनको ये पता है कि जिस तरह से टीम इंडिया परफॉर्मेंस दे रही है उसी तरह अच्छा से काम करते हैं आज। सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन के सिलसिले को आपके फैंस के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। पिच रिपोर्ट में अंदर साइमन डूल और रवि शास्त्री का ये कहना है कि घास बहुत कम है, ऑन द स्लोअर साइड रहेगी और शाम को यहाँ पर ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप वहां दर्शकों से पूछिए, जो वहां पे फैंस बाहर हैं, कि हार्दिक पांड्या तो है नहीं प्लेइंग 11 में, तो टीम का कॉन्स्ट्रक्ट क्या होगा, खासकर जब पिच ऑन द स्लोअर साइड हो और ड्यू फैक्टर प्ले। अच्छा चलिए, एक सवाल मुझसे बोला गया पूछने के लिए आप लोगों से, हार्दिक पांड्या नहीं है, उसकी जगह लगता है क्या, किसे खिलाना चाहिए आज? सूर्य कुमार यादव होने चाहिए या ईशान किशन को खिलाना चाहिए, किसे खिलाना चाहिए? ईशान किशन, ईशान, सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए, नहीं ईशान किशन सर, लड़ना नहीं आपस में, बस खेलना किस चाहिए? सूर्य कुमार यादव सर। अच्छा ईशान किशन, ईशान, सूर्य कुमार बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको मौका देना चाहिए इस मैच के अंदर। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। आप अकेले ईशान किशन के फेवर में क्यों? ईशान किशन के फेवर में इसलिए हूँ, वो लेफ्टी खिलाड़ी अच्छा है, बाकी तेज खेलता है, बाकी सूर्य कुमार यादव जो 50 ओवर का, वो सूर्य कुमार यादव से तेज नहीं खेल सकता, नहीं ठीक है, यादव खेलते हैं वो फ्लिक्स वगैरह, लेकिन हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, तरीके से खेलेंगे, जो बॉलिंग का खामियाजा कौन भरेगा वो बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। अब देखिए संदीप जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, देखिए टीम का कॉन्स्ट्रक्ट क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी 11 फिक्स नहीं किए होंगे, आपकी लिस्ट में 12 या 13 होंगे कि कौन सा कंडीशन को देख के आप 11 चुनेंगे। अब कंडीशन में अगर आप रवि शास्त्री और साइमन डूल की माने तो कहते हैं घास कम है, पिच विल बी ऑन द स्लोअर साइड, पहले बैटिंग करने से कतराओ मत, लेकिन शाम को ड्यू जरूर होगा। देखिए मैं पहले मैच से ये कहते आ रहा हूँ कि हमारा सबसे अनुभवी अगर कोई बॉलर है तो वो है मोहम्मद शमी, जिसका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, ना सिर्फ इस साल बल्कि जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि शार्दुल की जगह पे मौका दिया जाए शमी को, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हार्दिक पांड्या जो इंजर्ड हुए हैं उनकी जगह पे सूर्य कुमार यादव को ले आए। अभी हमने सुना कि कई लोग ईशान किशन का नाम लेते थे, लेकिन मेरी नज़र में ईशान किशन अगर खेलता है तो उसे ऊपर यू नो ओपनिंग के दौर पे, लेकिन हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है बेहतर प्रदर्शन और कंसिस्टेंसी दिखाई है जी। हमारे कप्तान रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल, तो मैं कहूंगा ये दो चेंजेस मेरी तरफ से। तो टीम में एक नहीं दो चेंजेस होंगे, लेकिन क्योंकि एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बाहर जाने से, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से आपको लगता है कि शार्दुल को बाहर बिठाकर शमी को खिलाना चाहिए, तो पेस में थोड़ा पैनापन आए। लेकिन अगर पिच स्लोअर साइड पे है तो ये जो हार्दिक जो भूमिका निभाते हैं 5-6 ओवर डालने की, या कभी जरूरत पड़े तो 10 भी ओवर डाल देते हैं, तो इसको क्या सिर्फ 5 बॉलर्स लोड को संभालें आपके हिसाब से? नहीं देखिए, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे निभाना पड़ता है। आप ऐसे मत कहिएगा कि नहीं छठा बॉलर चाहिए था, सातवां बॉलर भी चाहिए था, तो फिर ये 5 बॉलर का क्या काम है? करेक्ट, तो बात बनती है वो कॉम्बिनेशन की बनती है। अगर आपके पास 6 बल्लेबाज है उसमें एक विकेट कीपर है, तो 5 गेंदबाज से आप काम को चलाना चाहिए। अभी जो नहीं है उसके ऊपर रोना क्यों? मोहम्मद शमी का नाम मैं इसलिए लिया क्योंकि विकेट तेज हो, फास्ट हो, स्लो हो, जो भी हो, लेकिन अनुभव का इस्तेमाल वो जरूर करेंगे, और वो स्विंग बॉलर है। जो स्विंग बॉलर होते हैं उनके लिए कैसी भी विकेट हो स्विंग तो जरूर कराते हैं जी। और बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 बॉलर्स के साथ हमने ठीक ठाक ही कर लिया था, तो ऐसा क्यों सोचे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम नहीं कर सकते? और मोंटी पानी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, केन विलियमसन नहीं है, टॉम लेथन कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन भले ही मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक फर्स्ट क्लास है, लेकिन बैटिंग डेवन कॉनवे के साथ साथ केन विलियमसन का वहां होना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है दिस इज गोइंग टू अनसेटल न्यूजीलैंड अ बिट? या आई थिंक न्यूजीलैंड का भी, जैसे हम कहते हैं ना, एक टेस्ट होने वाला है भारत के खिलाफ, बिकॉज
हमको कोई मालूम नहीं, ये फाइनल भी हो सकता है ना, ये दोनों टीम जो अनबीटन है, सबसे प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स यही दोनों अभी हैं, एंड जो कंडीशंस है ना, आई थिंक न्यूजीलैंड बॉलर को ज़्यादा फेवर करते हैं बिकॉज स्विंग इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, सो इसी वजह से आई थिंक न्यूजीलैंड स्लाइटली फेवरेट्स है। बट मोहम्मद सिराज का जो अभी रिकॉर्ड है जिस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं है, एवरेज 42 अभी कर रहे हैं, 4 विकेट्स ली है, सो उसकी भी ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर मोहम्मद सिराज, उसको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, उसको स्विंग दिखाना पड़ेगा, अभी मेरे एबिलिटी है, हवा में मैं यू नो स्विंग कर सकता हूँ। एंड मोहम्मद शमी को भी खेलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब अभी नहीं खिलाएंगे कब उसको खिलाएंगे, बिकॉज वो एक बॉलर है ना जो भी मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन द एयर एंड ऑफ द पिच, मोहम्मद शमी कर पाएंगे। धर्मशाला पिच ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्विंग होती है, मौका बड़ा अच्छा है अभी भारत बॉलर्स को, एंड राहुल द्रविड़ को भी थोड़ा देखना अभी मेरे बॉलर्स कैसे हैं, जब बॉलिंग जब जो भी टीम हमको मालूम है जीतेगी बॉलिंग पहले करेंगे, ये तो ऐसे ही है बिकॉज कंडीशंस ऐसा है, पर राहुल द्रविड़ को भी थोड़ा मालूम होना चाहिए दैट बॉलर्स जब फेवर होते हैं भारत के बॉलर्स को स्विंग बॉलिंग करना कैसे करते हैं बॉल, करेक्ट, एंड ये बहुत आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शमी खेले। सवाल मोंटी पानेसर से न्यूजीलैंड के बारे में पूछ रहा हूँ, वो जवाब हिंदुस्तान की टीम का दे रहे हैं संदीप जी, लेकिन आप संदीप पाटिल की टीम सिलेक्शन से आप मुखातिब, आप एग्री करते हैं? लुक आई थिंक, लुक मेरे हिसाब से ना जो भारत आज हार भी जाए ना अच्छी बात है, बिकॉज अर्ली स्टेज हारना थोड़ा रीग्रुप आप कर सकते हो, यू नो क्लोज गेम होनी चाहिए, एंड पर जो जीत जाए ना फिर आई थिंक हम ऐसे देखेंगे दैट ये भारत ऐसी टीम है जो भी 9 डिफरेंट स्टेडियम्स में एडजस्ट कर सकते हैं, एंड यही तो रोहित शर्मा ने कहा था, वो कह रहे थे मैं मेमोरी बनाना चाहता हूँ ईच गेम का, ये वर्ल्ड कप का, अभी देखते हैं भारत कितनी आगे आए हैं और कितने आगे जाना लो भाई, है। रोहित शर्मा ने सिक्का सही उछाल दिया है और टॉस भारत ने जीता है, भारत गेंदबाजी करेगा बल्लेबाजी करेगा पहले वो देखना पड़ेगा, और टीम में कितनी फेरबदल होती है वो भी देखने वाली बात है। ये अंक तालिका आपके सामने है, आप अंक तालिका पर अगर गौर फरमाएं ये दोनों टीमें एक बराबर लगती हैं संदीप जी, ऐसा नहीं लगता कि देयर इज मच दैट सेपरेट्स दीज टू टीम्स, और हर डिपार्टमेंट में इनका कोई ना कोई हमारे लिए भारत के लिए या न्यूजीलैंड के लिए कोई ना कोई हमेशा कारगर सिद्ध हुआ है। अगर वहाँ मैट हेनरी उभर कर निकले हैं तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह एज अ रेवलेशन थे, ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस था तो हमारे पास ऐसे थे, अब पता लग रहा है कि रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि वो पहले बल्लेबाजी नहीं करेंगे, सो कॉन्ट्ररी टू ग्राउंड एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि वो न्यूजीलैंड से पहले बैटिंग कराएंगे। नहीं सही बात है, मुझे लगता है सही निर्णय भी है क्योंकि अच्छे चेज मास्टर रहे हैं, एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, जो भी मैचेस जीते हैं ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले अगर 2 साल की बात करें तो चेज करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है।